दरोगा के घर पिस्टल की नोक पर लाखों की लूट। दरोगा की पत्नी की गर्दन पर चाकू रखकर लूट लिए लाखों के जेवरात। झंझारपुर आरएसओपी थाना की है घटना। घटना की खबर मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। डीएसपी आशीष आनंद ने जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। मधुबनी जिला के झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र के बेहट उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 4 डबर बोना मोहल्ला में रविवार को देर रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे हथियारबंद नकाबपोश। अपराधियों ने दरोगा के घर बंदूक और चाकू की नोक पर 5 लाख के जेवरात समेत 22,000 नगद राशि लूट ली। घर में 2 बच्चों के साथ सो रही दरोगा की पत्नी शिक्षिका ज्योति देवी को पिस्टल और धारदार चाकू की नोक पर गोदरेज की चाबी देने को कहा। अपराधियों ने कहा कि चाबी नहीं दोगे तो बच्चों को जान से मार देंगे। ज्योति ने डर से चाबी दे दी और फिर गोदरेज में रखे जेवरात और 22,000 नगद राशि लूटकर चले गए। गृहस्वामी ने बताया कि घर में घर के पीछे से दीवार फांदकर पहले खिड़की फिर छज्जे के सहारे छत के ऊपर से घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया गया। अररिया जिला के आरएसओपी में है पोस्टेड गृहस्वामी ओपी प्रभारी के रूप में। घर के अंदर 5 से 6 की संख्या में पहुंचे थे हथियारबंद नकाबपोश अपराधी। इससे पूर्व 2019 में पैतृक घर पर दीपावली के रात 2019 में पड़ा था डाका। घटना की जानकारी मिलते ही झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद रात में ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं रात के बाद से लगातार पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मधुबनी से डॉग स्क्वाड की टीम आई थी। थोड़ी देर में पटना स्पेशल फॉरेंसिक जांच टीम पहुंचने वाली है। आरएसओपी जो है उसके क्षेत्र अंतर्गत एक एसआई है, बिहार पुलिस के ही अररिया में पोस्टेड है। यहाँ पे चोरी घटना हुई है जिसमें हम लोगों ने उस रात में ही एसडीपीओ वहाँ पे पहुंचे थे और थानाध्यक्ष भी पहुंचे थे। जब उनको सूचना मिली है वहाँ पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि साइंटिफिक तरीके से जो भी सबूत है उसको वो लोग कलेक्ट कर पाए। और उसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम भी उस शाम रात से ही पहुँची हुई और उस पर अधिकतर कार्रवाई कर रही है। रात में लगभग 2 बजे में हमारा एक मकान है बेहट उत्तरी पंचायत में वार्ड 4 में, जहाँ पर हमसे छोटे भाई की पत्नी माने हमारी भाभो भतीजा और भतीजी रहती है। लगभग रात के 2 बजे में 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर पिस्टल और हंसुआ या कत्ती जो कह लीजिए इस टाइप का औजार लेके उनको अपने अंडर कस्टडी करके उनसे बलात् बच्चे को जान से मार देने की धमकी देते हुए चाबी कवर किया गया और चाबी लेके एक एक बिंदु का छानबीन करके सारे के सारे ऑर्नामेंट्स कैश ये लेके और निकल गए। इसकी सूचना मिलने पर फिर तमाम जगह इसकी सूचना दिया गया और उसके बाद सामाजिक आदमी से लेके पुलिस पदाधिकारी भी आए और उसके बाद से तब से समीक्षा चल रही है। डॉग स्क्वैश का मामला है वो भी काम कर रहा है। जिस वक्त यह घटना घटी घर में कौन सा मौजूद था? घर में एक महिला मेंबर मात्र हमारी भाभो थी और हमारा भतीजा और भतीजी। एक रूम में भाभो थी, एक रूम में हमारा भतीजा और भतीजी। कितने का डकैती हुआ? लगभग 5+ का ऑर्नामेंट्स गया है, 20 से 25 हज़ार लगभग कैश। किन्हीं को कोई चोट भी लगी है? वो जो व्यक्ति इस घटना का अंजाम दिया है उसके द्वारा मुंह दाबना, बांह पकड़ के डराना, इस सब से थोड़ा बहुत दर्द जो हुआ, बाकी उसके बाद कुछ ऐसा नहीं। आपके छोटे भाई क्या करते हैं? हमारे छोटे भाई अररिया आरएस में थाना प्रभारी है, उमेश कुमार नाम। कब से हैं वहाँ पे? अररिया में तो लगभग 3-4 साल से गुजरे हैं। उस वक्त वो यहाँ नहीं? नहीं, वो अपने कार्य क्षेत्र में। अभी वो आए हैं यहाँ? हाँ, इस बात की जानकारी मिलने पर वो भी आए हैं। अभी तक कौन कौन यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से आपके घर पे आए? थाना प्रभारी से लेके थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, सभी के सभी आए हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। रात में जब घटना घटी तो घटना के कितने देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची थी? घटना के कुछ ही देर बाद सूचना मिलते ही पुलिस वाले आ गए, डीएसपी साहब भी तुरंत आए। तो जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि इससे पहले भी आपके घर में एक घटना घट चुकी थी? हाँ, हमारे मूल निवास जहाँ कैथिनिया में मेरा मूल घर है, वहाँ वर्ष 2019 में दीपावली के नेक्स्ट डे के 2 बजे रात में इसी तरह का घटना हुआ, जिसमें हमारी माँ का जितना भी ऑर्नामेंट्स था उसके साथ
उस समय में कुछ पैसा का एक्स्ट्रा व्यवस्था करके काम के लिए रखना था उस कैश के साथ, इसी तरह का घटना हुआ जिसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया। पुलिस कोई उद्भेदन नहीं कर पाई अभी तक कुछ नहीं। पुलिस के इस कार्य प्रणाली से आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्षोभ तो उठ ही रहा है, लेकिन इस बार जो है और जिस तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें लगता है कुछ ना कुछ सफलता की तरफ बात बढ़े, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। अब होगा क्या है भगवान जानता है। आपके छोटे भाई रहते हैं दिल्ली में, उनके यहाँ भी सुन रहे हैं।